पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हरियाणा, महाराष्ट्र और उपचुनावों में इंडिया ब्लॉक के खराब प्रदर्शन को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने इंडिया गठबंधन बनाया, इसका नेतृत्व करने वाले इसे ठीक से नहीं चला सकते, तो मुझे मौका दें, मैं बंगाल से ही गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूँ। ममता बनर्जी के बयान का शिवसेना के सांसद संजय राउत और समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया है। राउत ने शनिवार को कहा कि हम भी चाहते हैं कि वो विपक्षी इंडिया गठबंधन की प्रमुख भागीदार बने, चाहे वो ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो या शिवसेना, हम सभी एक साथ हैं। हम जल्द ही कोलकाता में ममता बनर्जी से बात करने जाएंगे। वहीं सपा नेता उदयवीर सिंह ने भी ममता बनर्जी के बयान का समर्थन किया। उन्होंने शनिवार को कहा कि लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 सीटों में से सपा ने 37 सीटें जीती, पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने 42 सीटों में से 29 सीटें जीती, भाजपा को इन दो राज्यों में 35 सीटों का नुकसान हुआ और सभी दल सहमत हो तो सपा ममता का समर्थन करेंगी। वहीं भाजपा ने ममता के बयान पर कहा कि विपक्ष के नेताओं को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व पर भरोसा नहीं है।